أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله हमारा ये दूसरा पारा शुरू हो गया था एक रोज पहले। आप हजरात के कुछ सवालात मेरे पास आए थे, उन सवालात का जवाब मैं आज के इस दरस में दूंगा। मौका हुआ तो हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का सवाल जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सवालात की रोशनी में चलूँ। कुछ बहुत अच्छे सवालात आए तो मैं चाहता हूँ कि उन सवालात के जवाब दे दूँ। उम्मीद है तर्जुमा आप हजरात को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कुरान दर्स को निकाल के एक मरतबे फिर सुन लें, उसके अंदर तर्जुमा मैंने वाजह कर दिया है। रिकॉर्डिंग भेजने का फायदा यही होता है कि इंसान पुराने दर्स को समझ ले तो उससे काफी मदद मिल जाती है। तो आज के दर्स में मैं कुछ पुरानी चीजों का भी अर्ज करूंगा और जितना मुझे मौका हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसको लेके आगे चलूंगा। सबसे पहला सवाल जो बहुत से लोगों ने किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया थे तो वो किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, तो मैंने उस सवाल का जवाब एक तो ग्रुप में दे दिया था लेकिन दूसरी जगह पर मैं जवाब नहीं दे सका था। ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया थे तो सारे के सारे, जारी बात, हर एक के ऊपर अपने लिहाज से नमाज फर्ज थी, तो हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किबले का एक रुख दिया हुआ था और वो लोग किबले के उस रुख पर नमाज पढ़ा करते थे। तो काबतुल्ला के सबसे पहला किबला था तमाम मुसलमानों का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रिवायत के मुताबिक फरिश्तों के जरिए से काबा बनवाया और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से काबा बनवाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में वो काबा उठा लिया गया था आसमानों पर और फिर दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों के ऊपर कायम किया। हम पिछले बारे में उसको पढ़ चुके हैं, एक बात ये। दूसरा सवाल ये था कि वह कजाली का जानना तुम उम्मतों वसता लितकून शुहादा, वह कजाली का जानना तुम उम्मतों वसता लितकून शुहादा। ये शुहादा के बारे में सवाल कि हमने आपको उम्मत मुतवस्सित बनाया है, उम्मत मोतदिल बनाया है। असल जो सवाल आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था कि उम्मत मोतदिल कैसे है, तो लेकिन जाहिर बात है ये तो सवाल नहीं आया। लितकुनु शुहदा, ये सवाल है कि गवाह बन जाओ, तुम गवाह कैसे बनेंगे। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है जिसने भी किया है। लितकुनु शुहदा अलन्ना सिवयकुन रसूल वालेकुम शहीद, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर तमाम उम्मतों के अहवाल बयान कर दिए हैं और हमें कुरान मजीद दिया है कि हम उसको पढ़ें, हम उसको समझें। जब हम पढ़ेंगे, जिन जिन लोगों ने पहला पारा पढ़ा है मेरे साथ और जिन लोगों ने किसी और जगह पर पढ़ा है पहला पारा, तो जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है वो जरा आप बताएं कि हमने बनी इसराइल को कितना पढ़ा। बहुत ज्यादा पढ़ा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को बताने का मतलब ये कि हमने बनी इसराइल को कितना पढ़ा कि बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस किस तरह के इनामात दिए, क्या क्या मामलात किए। 8 किस्म के इनामात हमने एक जगह पढ़े, 4 किस्म के इनामात हमने एक जगह पढ़े, 8 किस्म के अवामिर हमने एक जगह पढ़े, फिर और किस्म के अहकाम पढ़े, उनको कई बातों के जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दिए वो हमने पढ़े। अभी हमने सिर्फ एक पारा पढ़ा है, उसके अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत पढ़ी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात पढ़े,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के मकासद पढ़े, इस तरीके से इस बहुत सी चीजें पढ़ी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोगों को पढ़ा, इबलीस के हालात पढ़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हमें हमें सिखा दिया कि देखो ये मामलात हैं, और हम कुरान मजीद से जब पढ़ेंगे और ये उम्मतें जब बनी इसराइल के लोग आएंगे तो हम कहेंगे कि तुमने अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया था, कहेंगे हमने तो नहीं कि अल्लाह कहेंगे तुमने अंबिया को शहीद किया था, तो ये लोग कहेंगे हम ये लोग कहेंगे कि हमने तो नहीं किया। तो अल्लाह फरमाएंगे कि देखो ये उम्मत इस बात पे गवाह है कि तुमने किया है, और फिर हम गवाही देंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें कुरान में बताया है। अब वो लोग जिन्होंने जिंदगी में आज तक कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं की, वो जरा तसव्वुर करें कि वो उस दिन क्या जवाब देंगे, उस दिन कैसे गवाही देंगे, उस दिन किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कहेंगे कि ये तुम्हारे खिलाफ गवाह है तो वो लोग कैसे गवाह बनेंगे। ये आज की बात है कि हम कुरान मजीद को पढ़ते नहीं हैं। आज से 30-40 बरस पीछे चले जाए, हमारे सारे लोग सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ते थे, और उससे 30-40 साल पीछे चले जाए तो हर बंदा कुरान मजीद को तर्जमे और मफहूम के साथ समझ के पढ़ता था, हर बंदा कुरान मजीद को समझ के पढ़ता था। लिहाजा हमारी ये तकरीबन 1200-1300 बरस तक हर बंदा कम अज कम कुरान मजीद को समझ के पढ़ता था, हत्ता कि बरे सगीर के निसाब में था तफसीर मदारिक हर बच्चे को पढ़ाई जाती थी, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी उर्दू पढ़ाई जाती है इस तरीके से तफसीर मदारिक पढ़ाई जाती थी। आज तफसीर मदारिक से उलमा भी वाकिफ नहीं होते बहुत से, लेकिन सब तकरीबन सबको पता होता है, लेकिन बहुत से उलमा जो कि पेशा में लग जाते हैं पढ़ाई वगैरह से हट जाते हैं वो वाकिफ ही नहीं होते। खैर बर मैं उस तरफ निकल गया। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया हुआ है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस दिन गवाह बनाएंगे कि देखो तुम गवाह हो, तुम गवाह हो, और तुमने गवाही देनी है, उस गवाही देने के लिए हमें कुरान मजीद पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। अम कुंतुम शुहदा इज हज़र याकूब अल मौत, हाँ याद न हो वो अलग बात है, लेकिन गवाह बनने के लिए कुरान समझना तो जरूरी है। यहां तक बात हो गई जी। मसला ये है कि हमारे आप हजरात कुरान मजीद माशाल्लाह पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा अक्सर तबका कुरान मजीद समझने की कोशिश करता ही नहीं है, लिहाजा वो इस हरकत को फजूल समझता है, क्योंकि वो खुद तो करते नहीं है। तो आप लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको फजूल समझता है, दूसरे दुनिया के कामों के लिए वक्त होता है लेकिन इसके लिए वक्त नहीं। जिन लोगों के लिए मैंने ये शुरू किया था, और आप हजरात माशाल्लाह इतने सारे लोग जुड़ गए, लेकिन असल में जिन लोगों के लिए शुरू किया था वो तो सब भाग गए, शुरू दिन से 2-4 दिन शुरू के दिन में आए उसके बाद गायब हो गए कि उनके पास वक्त नहीं। तो खैर मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल कुल्लियतन आज उम्मत के पास कुरान समझने के लिए वक्त नहीं है। तो ये थोड़ी सी मेरी कोशिश है कि आप हज़रात इसको समझने की कोशिश कर लें, भले से हम एक आयत पढ़ लें लेकिन हम समझने की कोशिश करें। तो ये कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सिखा रहे हैं कि तुमने गवाही देनी है, गवाही देने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज की गवाही देनी है, ये पीछे जो गुजरा है इसकी गवाही देनी है जी, हमने जो आगे आएगा उसकी गवाही देनी है। 85 चीजें हैं, मेरे औकातकार यही होते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ जितना कुरान मजीद को फैला सकूँ, जितना कुरान मजीद को आगे बढ़ा सकूँ उतना मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी चाहता है कि दुनिया के कोने कोने तक कुरान मजीद सिखाने की, सीखने की, हर जबान में मुख्तलिफ अनवा में मुख्तलिफ तरीके से, साइंसी तरीके से और मालूमाती तरीके से, हदीस के तरीके से और तफसीर के तरीके से और ये तर्जुमे के तरीके से कुरान मजीद को सिखाया जाए। ये दूसरा सवाल था जी, ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, जिसको ना समझ में आया हो वो मुझसे फिर भी पूछ सकता है, मैं फिर भी समझाने को तैयार हूँ। तीसरा सवाल था कि तहरीफ जो जो तब्दीली क़िबला, तहवील क़िबला ये किस तरीके से हुआ था। तहवील क़िबला देखे हॉल से है, हॉल हॉल कहते हैं, हॉल कहते हैं ये है ना, एक दायरा है,
इसके गिर्द जो दायरा बनाए इसको हॉल कहते हैं। हॉल जैसे हम कहते हैं माहौल, माहौल का मतलब है कि जो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं है उसको माहौल कहते हैं। तो हौले तहवील, तहवील भी हौल से है, ठीक है। तो हौल से है, इसका मतलब घूम जाना, यानी किबले की तरफ, दूसरे एक किबले से दूसरे किबले की तरफ घूम जाना। मैंने एक छोटा सा नक्शा बनाया आप हजरात की आसानी के लिए, आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दुनिया का नक्शा है, इसके अंदर मैंने अपने तौर पे बनाया, मैं कोई इतना ड्राइंग का मास्टर तो हूँ नहीं, इतना कंप्यूटर का मास्टर हूँ, अपने तौर पे बनाया, कोई कच्ची पक्की सी बात सब समझ में आ जाए। यहाँ है मक्का मुकर्रमा, यहाँ मक्का मुकर्रमा है, मक्का मुकर्रमा है और ये मदीना मुनव्वरा है, और यहाँ पर बैतुल मक़दस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब नमाज पढ़ते थे तो आप अलैहिस्सलाम काबातुल्लाह के इस तरफ खड़े होते थे, यानी काबतुल्ला में जो ये जो तस्वीर बनी है तो ऐसी बनी है। अब इसमें फ़र्ज़ कर लें कि हतीम इस तरफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ खड़े होते थे, इस तरफ खड़े होते थे, इससे काबतुल्ला का भी रुख हो जाता था और बैतुल मक़दस का भी रुख हो जाता था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो अब बैतुल्ला आपके पीछे होता था और आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ होता था इस निशान के साथ। फिर जब तहवील क़िबला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर गए हुए थे, मदीना मुनव्वरा से बाहर गए हुए थे। एक मस्जिद है जिसको मस्जिद क़िबलातैन कहते हैं, मेरी भी वहाँ हाजिरी हुई थी, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह बार बार ले जाए, मुझे भी ले जाए, आप सब हजरात को ले जाए। तो आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ें इस तरह बनी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे और पीछे सहाबाए किराम थे और उसके पीछे ख़वातीन थी, क्योंकि दीन की इब्तिदा थी तो दीन ख़वातीन को भी उन्हीं सफ़ों में सिखाया जाता था। पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था इसलिए ख़वातीन से पर्दे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब क़िबला तब्दील हुआ तो आप सल्लल्लाहु आज मस्जिद क़िबलातैन का वहाँ पर दरवाज़ा है जिस जगह पे आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले, नमाज के दरमियान ही वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सुनते ही फ़वल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, ये जो इंशाल्लाह हम आज की जो आयत पढ़ेंगे तो आज की आयत के अंदर ये जो यहाँ पर ये आयत नाजिल होती रही नमाज के अंदर, सयकूलु सुफ़हाउ मिनन्नासी, जब यहाँ पे हुआ फ़वल्ली वजहक शतरुल मस्जिदिल हराम, तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया वो ये था कि आप अलैहिस्सलाम मुसल्ले को छोड़ा और चलते हुए यहाँ पर आ गए। फिर दूसरी सफ़ ने देखा तो मुसल्ले को छोड़ा, सफ़ को छोड़ा, चलते हुए यहाँ पर आके आप अलैहिस्सलाम के पीछे सफ़ बना ली। फिर पिछली सफ़ ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके सफ़ बना ली। ख़वातीन की एक ही सफ़ थी, तो उस ख़वातीन की सफ़ ने अपना रुख अपनी जगह से फेर के किबले की तरफ रुख कर दिया। तो ये काबातुल्ला की तरफ नमाज़े ज़ुहर के दरमियान इस तरीके से मामला हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने रुख इस तरफ फेर लिया। ये किबला हमारा मुसलमानों का किबला अव्वल है और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात में भी लिखा है कि इन्नहु नबीउल क़िबलतैन, आप दोनों किबलों के नबी होंगे, यानी आप इस तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ेंगे, जो कि आपने 17 महीने तक सिर्फ इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, 17 महीने तक आप अलैहिस्सलाम ने इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी और बकिया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। ये 180 डिग्री नहीं बनता जी, 180 डिग्री नहीं बनता, लेकिन कुछ तहवील है, यानी घूमना है, कुछ घूमना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमे और घूम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला तब्दील कर लिया। मेरे पास मदीना म्यूजियम की कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं लेकिन मैं इसमें लगा नहीं सका क्योंकि उनको तलाश करना बहुत लंबा काम है, काफ़ी उसमें तफसील है। तो यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबले की तब्दीली का तरीकाकार था, वो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज कर दिया, कोशिश किया समझाने की, अल्लाह करें मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए।